फिर क्या बोले तब एक मुबारक फरहान पकड़ना था ए ए हमको कुछ करो ना और पीछे पीछे अभी थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा दो जरा सदम ने मारा बाप को और यहाँ से भागे भागते 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 यहाँ पे हैरत पहुंचे अभी जाके सामने रोक देना परिवार में आके सब चला जाए बच्चे अली भाभी जी सीन में तो ऐसा चल रहा है जो कि आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं आपकी मरियम आपकी मर्जीना की याददाश्त वापस आ गई है जिसमें अब मर्जीना को पता है कि वही मरियम है जो कि एक राजकुमारी है और यू नो उनकी जो बैक स्टोरी है वो सद्दाम से बदला लेने आई है और अभी मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि यू नो स्टोरी थोड़ी ऑफ ट्रैक हो गई है तो स्टोरी एकदम लाइन पे आ गई है प्लीज़ आप अली बाबा देखते रहिए शाम 7 बजे सोनी सब पर okay, जैसा कि आपने कहा मरियम की याददाश्त वापस आ गई तो जब अब उन्हें सब याद आ चुका है तो अब क्या और जी बिल्कुल आई थिंक अली एंड मर्जीना मरियम के भी अगर जो बीच में रोमांटिक मोमेंट्स के बिना तो शो है ही नहीं क्योंकि शो का नाम ही अली बाबा है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे आपको क्यूट क्यूट नॉटी नॉटी एकदम नोकझोंक वाले मोमेंट्स आपको देखने मिलने वाले हैं आज हमने एकदम क्यूट सा डांस सीक्वेंस भी किया है जो कि आपको देख कर बहुत मज़ा आने वाला है कसम से मैं आपको अभी हाइप नहीं कर रही हूँ बट सच बता रही हूँ उसके लिए आपको अली बाबा देखना पड़ेगा और आपकी मरियम आपकी मर्जीना की याददाश्त वापस आ गई है जिसमें हमें हर चीज़ याद आ गई है तो अब हम देखते हैं क्या ट्विस्ट टर्न्स और क्या क्या ड्रामा आने वाला है जी फैन से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी कृपा अपनी दुआ हम पर लगाए रखिए हमारा शो देखते रहिए आपके बिना हम कुछ भी नहीं है आप हमें प्यार देंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे बस आपका प्यार चाहिए तो प्लीज़ आप अली बाबा देखते रहिए शाम 7 बजे सोनी सब पर थैंक यू अभी वो सेपरेट होने से लेकर हमें एक्चुअल Hold. Cut.
लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।